नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। भाई सामने खड़ी है न्यू क्रोनेक्स बलेनो का जो है वो एक क्रॉसओवर आप इसको कह सकते हैं, समवेयर बिटवीन बलेनो और ग्रैंड विटारा का एक ये मिक्सअप जो है वो ये गाड़ी होने वाली है। मारुति की तरफ से इसमें अब एक 1 लीटर का टर्बो जेट और एक 1.2 लीटर का जो बलेनो में अपना आता है वो वाला इंजन जो है वो मिलेगा। तो दोनों इंजन के साथ आपको ये पेश की जाएगी। 1 लीटर का जो टर्बो जेट है वो पहले आपको बलेनो RS में मिलता था, लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। फिर से रिलॉन्च जो है वो मारुति ने इसको किया है। ओवरऑल जो गाड़ी है वो दिखने में थोड़ी सी कूपे स्टाइल है, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी सी लग रही है। लेंथ जो है वो गाड़ी की बड़ी है। बलेनो अपनी आती है लगभग 90 mm, मतलब 3990 mm, और ये 5 mm से जो है वो बलेनो से बड़ी है। बाकी अगर आप सामने से देखेंगे ना, तो गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो समवेयर बिटवीन आपको ग्रैंड विटारा और बलेनो का मिक्सअप, जैसे मैं कह रहा हूँ ना पूरी गाड़ी को, तो वैसा सा ही जो है वो फील होने वाला है। यहाँ पे सामने से मैं आपको दिखाऊँ तो एक बड़ी सी जो है वो क्रोम की यहाँ पे आपको प्लेटिंग दिखेगी, आपको ग्रिल्स दिखेगी जैसी आपको ग्रैंड विटारा में दिखते। 360 डिग्री कैमरा का सेटअप आपको मिल जाएगा इसके टॉप एंड वेरियंट्स में। एंड जो फीचर्स है, जैसे आपका 360 डिग्री कैमरा हो गया, HUD हो गया, जो कि बलेनो में आते हैं, ग्रैंड विटारा में आते हैं, वो सारे फीचर्स जो है आपको कैरी ऑन होते हुए दिखेंगे। लाइट सेटअप में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इसके इंडिकेटर्स, इन्हीं में जो है वो आपको DRS दिखेंगे। नीचे आपके जो है वो हेडलैम्प, दो ये आपके लो बीम के लिए, ऊपर वाला आपको हाई बीम के लिए मिल जाएगा। ये जो पूरा फिनिश है ये ग्लोसी ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको दिखेगा। नीचे सिल्वर फिनिश जो है वो मिल जाती है, एंड क्रोनेक्स जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। अलॉय व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील जो है वो थोड़े से न्यू डिज़ाइन में अब के बाद आपके लगाए गए हैं, 195/60R16 के जो है वो ओवरऑल अलॉय गाड़ी में। आपको सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाते हैं, एंड जो क्लेडिंग है वो आपको थ्रू आउट पूरी गाड़ी में जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जो आपके ORVMs है वो आपको सेम बलेनो जैसे ही मिलेंगे। नीचे 360 डिग्री कैमरा का सेटअप दिख जाएगा, और LED टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल, ये सारे फीचर्स जो है वो आपको गाड़ी में मिलने वाले हैं। ऊपर रूफ रेल्स जो है वो भी आपको दिख जाएगा। तो एक ये क्रॉसओवर टाइप, जैसे मैं बता रहा, सेगमेंट में पहली गाड़ी ऐसी है जो आपको मतलब इतने प्राइस में क्रॉसओवर गाड़ी मिल रही है। मारुति ने जो है वो काफ़ी बढ़िया से इसको मार्केट में अभी पेश किया है। देखेंगे बाकी इसका जो अपना टर्बो इंजन है वो चलता है कितना, क्योंकि पिछली बार जब लॉन्च किया था तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। Sarc 99 रूफ रेल सिस्टम आपको बताया वो आपको मिल जाता है। गाड़ी में 37 लीटर का आपको मिल जाता है पेट्रोल टैंक, दोनों 1.2 और 1 लीटर दोनों के साथ आपको सेम ही मिलेगा। पीछे कोई भी डिस्क ब्रेक जो है वो नहीं दिए गए हैं। अभी अगर पीछे का डिज़ाइन देखें तो पीछे से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेक्सी सी लग रही है। ऊपर आपको Sarc फिन एंटीना जो है वो मिल जाता है, उसके बाद आपको स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर, डिफोगर, वॉशर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड जो कनेक्टिंग टेल लैंप्स का आजकल चल रहा है चलन, सब जो है अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लग रही है। ये सारी जो है वो LED सेटअप से आपका यहाँ पे होने वाला है। फ्रॉन्क्स की जो है वो बैजिंग यहाँ पे लगाई गई। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं, एंड जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर बूट की बात करें तो 308 लीटर्स का जो है वो आपको ओवरऑल यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। जो आपकी सीट्स है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होती है, एंड एक बैक लैंप भी जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। स्टेपनी व्हील की बात करें तो गाड़ी जो है वो आपको 4 वेरिएंट्स में मिलेगी, जैसे सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। डेल्टा में आपको 1 लीटर टर्बो और 1.2 लीटर का पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड टॉप एंड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड टर्बो के साथ आपको स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी कि वही छोटी वाली बैटरी जो इनके ब्रेजा वगैरह में आती है, ग्रैंड विटारा में आती है, वो वाली टेक्नोलॉजी जो है वो मिल जाती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप उसके साथ हो जाता है, और साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी आता है। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल टोन का जो है वो यूज़ किया गया है। ये जो है ये आपका सॉफ्ट टच मिलेगा, ये वाला पूरा, ये यहाँ पे जो है वो हार्ड प्लास्टिक ही रहने वाला है। 4 स्पीकर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे गाड़ी में, एंड सामने की तरफ आपको डोर ट्विटर टॉप एंड्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। वही मारुति के पुराने क्रोम डोर हैंडल्स, और वही लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म जो है वो दिखेगा। अब सीट्स की बात करें तो सीट्स जो है वो बिल्कुल बलेनो जैसी मेरे को लग रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा जो है वो अंदर स्पेस ज़्यादा मिल सकता है, एग्जैक्टली अभी मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता। बाकी ड्यूल टोन में सीट्स है, और फैब्रिक जो है वही सीटें यूज की गई है टॉप एंड वेरिएंट में भी। स्पेस अगर देखें तो स्पेस का वही है जैसा बलेनो वाला सीटिंग पोस्टर है ना भाई, बिल्कुल सेम वैसा ही फील हो रहा है आपको। बढ़िया थाई स्पोर्ट यहाँ पे मिल रही है, और अच्छी कुशनी सीट्स जो है वो मिल जाती है। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट जो है वो मिसिंग है ये गाड़ी में, लेकिन आपको 3 पॉइंटर सीट स्पेस जो है वो मिल जाती है। आजकल ग्लोबल एनकैप ने जो है कि अपना मैंडेटरी कर दिया भैया, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट पीछे भी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स में अब दिखने लग गई है। तो उस हिसाब से कंपनी भी अपनी गाड़ियों में जो है अब ये फीचर्स देने लगी है, तो उस हिसाब से आपको ये फीचर मिल जाएंगे। हिल होल्ड असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑफर की जाएगी बेस वेरियंट से ही। जो आपका कैबिन लैंप है वही हैलोजन पुराने वाला मिल जाता है। पीछे AC वेंट्स है, और नीचे आपको एक USB एक टाइप सी का जो है वो सॉकेट मिल जाएगा। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। हालांकि फीचर्स में आपको वही सेम फीचर्स ही मिलने वाले जो आपको बलेनो में मिलते हैं,
ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इंटीरियर भी सॉर्ट ऑफ बलेनो और जैसे मैंने आपको बताया ना ग्रैंड विटारा का मिक्सअप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर और थोड़ा सा ये देखिए आपको हल्के हल्के जो है स्पार्कलिंग इफेक्ट जो है वो दिए गए। ये नया है, ये मैंने अभी तक मारुति किसी गाड़ी में नहीं देखा। आपके ORMs जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ये फीचर्स भी जो है मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा जो है वो गोल्डन टच यहाँ पे दिया गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि इस बार थोड़ी सी कलर स्कीम में जो है वो चेंज तो किया है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। नीचे आपको बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, एंड बाकी ये सारी चीज़ें सॉफ्ट टच वगैरह जो है वो होने वाली। ये वाला हार्ड प्लास्टिक है एक्चुअली, ये सॉफ्ट टच है सिर्फ। ट्विटर्स जो है वो सामने की तरफ आपको दो मिलते हैं। स्पीकर जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो है वो फीचर मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जो है वो इस प्राइस में नहीं आता। प्राइसिंग की बात करेंगे लास्ट में कि क्या कुछ प्राइसिंग जो है वो इसकी हो सकती है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कंट्रोल्स दिखाऊं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का है, HUD के सारे कंट्रोल्स है, आपका 360 कैमरा और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन है, और आइडल में स्टार्ट स्टॉप होने वाली जो है वो आपको एक ये बटन मिल जाता है। हेडलैम्प लेवलर वगैरह जो है वो भी आते हैं। देन उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द स्टेयरिंग, स्टेयरिंग जो है वो आपको डी कट मिलता है, लेदर की रैपिंग मिलती है, आपको पैडल शिफ्टर जो है वो मिलते हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप 1.2 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेट है वो इंजन लेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल AMT AGS जिसको मारुति कहता है, जो आपके बलेनो में आता है। लेकिन अगर आप लेंगे 1 लीटर का टर्बो तो आपको ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर जो है वो गियर बॉक्स मिलेगा, जो कि आपकी ग्रैंड विटारा एंड आपकी अपनी ब्रेजा होगी इनमें आता है। तो ये एक डिफरेंस जो है वो हो जाएगा। आपको टॉप एंड जेटा और अल्फा में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर टर्बो बूस्टर जो है, जिसको बूस्टर जेट बोलता है मारुति, वो इंजन जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील्स की कंट्रोल की, तो लेफ्ट साइड में मीडिया के, राइट साइड में आपके क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे फोन कनेक्शन के कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। एंड जो स्टेयरिंग है अपना वो टिल्ट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं होता। MID वही पुरानी वाली है जो आपकी और गाड़ियों में आती है, ग्रैंड विटारा में जो है वो आपको यही सेम MID मिलती है। लेफ्ट साइड में अपना टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बाकी बीच में डिस्प्ले वो सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखा देगी। सेंटर में आपको वही 9 इंच का जो है वो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है। ये एक्चुअली एंड्रॉइड ऑफ एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके बटन्स जो है वो आपको टच वाले मिल जाएंगे, और साथ ही सुजुकी कनेक्ट वाले फीचर्स जो है वो भी सारे सपोर्ट करता है। नीचे ऑटोमेटिक AC की जो है वो यूनिट आपको मिल जाएगी, एंड वायरलेस चार्जिंग, USB और एक आपका 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे रखी गई है। जैसे मैंने आपको बताया 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है, तो PR&D एंड मैनुअल में भी जो है आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक जो है वो आ जाता है मैनुअल, और यहाँ पे हल्का सा स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स में कूलिंग वगैरह का फंक्शन जो है वो मुझे तो अभी नहीं दिख रहा, एक्चुअली है भी नहीं कोई फंक्शन जो है वो नहीं है। ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी आपको ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड पे मिलता है। जो मैंने आपको बताया था गोल्डन वाला फिनिश, वो आपको थोड़ा सा टच इस साइड भी जो है वो दिख जाएगा। ऊपर जो IRVM है वो आपका ऑटोमेटिक होने वाला है, एंड यहाँ पे आपके कैबिन लैंप्स जो है वो मिल जाएंगे। अब ये टॉप एंड वेरियंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया। आई डोंट नो कि मारुति ने भाई ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं इस गाड़ी में उन्होंने सनरूफ ऐड की। यहाँ पे HUD वाले कंट्रोल्स जो है वो भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर एंड इल्यूमिनेशन मिल जाती है, एंड इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर और विद इल्यूमिनेशन जो है वो मिल रहा है। तो ये था ओवरऑल इंटीरियर। इंटीरियर देखिए मारुति की गाड़ियों का जैसा होता है वैसे से ही जो है वो सिमिलर ही इंटीरियर, कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं किया है मारुति ने। जो आपको फीचर्स थे या मतलब जो भी टच स्क्रीन है, ये MID है, ये सब आपकी वही MID है जो आपने पहले भी मारुति की गाड़ियों में देखी गई है। एक चीज़ नहीं क्या है वो है इसका इंजन। एक बार इंजन बे ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंजन में क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है, कैसा इंजन है, क्या कुछ पावर जो है ये आपके नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेट के कंपेरिजन में जो है वो जनरेट करके आपको देगा। इंजन में आपको दिखाऊं तो ये देखिए बूस्टर जेट सुजुकी जो है वो लिखा गया है। 1000 CC लगभग 998 CC का जो है वो इंजन है, और आपको लगभग 100 BHP के आसपास जो है वो पावर जनरेट करके देगा। तो इसका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट है, वो 89 BHP के समथिंग पावर जनरेट करता है, उससे लगभग आपको 10 BHP जो है वो पावर एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मारुति ने पहले भी एक बार बलेनो RS में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, और अब जो है फिर से मारुति इस इंजन को लेकर आई। टॉप एंड में जो है वो आपको सिर्फ मिलेगा, तो अब की बार उम्मीद है कि ये गाड़ी जो है वो कस्टमर्स लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको टॉप एंड वेरियंट्स चाहिए, और टॉप एंड वेरियंट्स में आपको यही इंजन जो है वो मिलने वाला है। साथ ही 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो है वो मिल जाएगा, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू AGS। लेंथ वगैरह मैंने आपको बता दी, 5 mm जो है वो बड़ी है। गाड़ी का डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लग रहा है। थोड़ी सी बलेनो, थोड़ी सी ग्रैंड विटारा की फीलिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये गाड़ी हमें
दे रही है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स जो है वो इसको लेना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, एंड क्या कुछ जो है वो इसका रिस्पॉन्स रहेगा। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। टर्बोजेट का जो है आजकल चल रहा है ट्रेंड, सब कंपनियां जो है अपनी गाड़ियों में टर्बो इंजन दे रही है, तो उस हिसाब से मारुति ने भी इसको रीइंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया। अब प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो देखिए प्राइस जो है वो आपको समवेयर बिटवीन आपकी बलेनो हो गई और उसके बाद आपकी ब्रेजा हो गई, तो उनके आसपास का जो है वो मिलेगा। तो बलेनो का आपको लगभग 7.5 लाख रुपए तक का जो है वो ऑन रोड मिल जाता है बेस वेरिएंट। इसका आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 8 लाख के आसपास जो है वो इसका प्राइस स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये 11 लाख रुपए तक जो है वो जाना चाहिए। बलेनो का टॉप एंड वेरिएंट आपको 10.5 लाख रुपये में मिल जाता है मैनुअल। इसका अगर आप टर्बो ऑटोमेटिक लेंगे तो 11-11.5 के आसपास तक का जो है वो इसका प्राइस जाना चाहिए। उसी हिसाब की जो है वो गाड़ी एंड उसी हिसाब के फीचर्स जो है ये आपको दे रही है। तो बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या कुछ जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना हमें बिल्कुल भी ना भूलें।